ब्लैक 800 साइंस सम्स थर्ड चैप्टर थर्ड चैप्टर पर वैसी पहले फॉर्मूला स्टडी करेंगे हम लोग। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया या तो वेट अपॉन एरिया, कैन टाइप एनी वन। फोर्स अपॉन एरिया सब मेन फॉर्मूला है, वेट देंगे तो वेट अपॉन व्हाट एरिया। रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला का, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस ऑलवेज सब्सटेंस का डेंसिटी ऊपर आएगा एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी हमेशा विल कम व्हाट डाउन। अब इसका यूनिट्स भी लिखेंगे, जब भी हम आंसर फाइंड करेंगे वेन एवर वी गो टू फाइंड द आंसर तो मास का आंसर भी फाइंड करेंगे तो उसका आंसर आंसर के बाद में लिखने का है kg। आंसर 2 आता है 2 kg, आंसर 4 आता है 4 kg। वॉल्यूम आएगा तो जब भी वॉल्यूम फाइंड करेंगे लिखने का मीटर क्यूब, व्हाट राइट मीटर क्यूब, 100 आएगा 100 मीटर क्यूब, अगर 10 आएगा 10 मीटर क्यूब। डेंसिटी आएगी तो kg / kg पर मीटर क्यूब, स्लैश नहीं बोलना है इसको, kg पर मीटर क्यूब ऐसा बोलना, करेक्ट ना। ये फॉर्मूले के बेसिस पे, फर्स्ट फॉर्मूले के बेसिस पे हम लोग समझ करेंगे, तो टू समझ करें कर। इधर ये हम लोग को मास 350, वॉल्यूम दिया 175, फाइंड डेंसिटी। फॉर्मूले क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन व्हाट वॉल्यूम। मास कितना है 350, वॉल्यूम कितना है 75, देयरफॉर डेंसिटी आएगा 1 × 2 इज इक्वल टू 2। डेंसिटी क्या है kg मीटर पर क्यूब, 75 1 × 75 2 × डेंसिटी इक्वल टू व्हाट 2 kg पर मीटर क्यूब, सिंपल सम्स करेक्ट ना। इधर हम लोग को फाइंड करना है मास वन, सेम फॉर्मूला, फॉर्मूला चेंज करने का है, डोंट चेंज द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है राइट द फॉर्मूला एज इट इज, करेक्ट। फॉर्मूला क्या है अपना, डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट मास अपॉन वॉल्यूम। नाउ डेंसिटी कितना है 4 दिया है, मास नॉट गिवन और वॉल्यूम 190, वॉल्यूम कितना है 190, मल्टीप्लाई करो 4 × 90 इज इक्वल टू व्हाट मास, देयरफॉर मास इज इक्वल टू कितना आएगा 3876, करेक्ट 760 मास है यूनिट केजी में, 76 केजी, करेक्ट। 9 × 4 = 36, 4 × 1 = 3, 760 वॉट केजी, करेक्ट। सो दिस वॉज द दो सम हमने किया है, कौन सा फर्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट हम लोग टू सम्स करेंगे सेकेंड फार्मूला पे। नेक्स्ट हम लोग यूज करेंगे रिलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला, किसका डेंसिटी ऑफ सब्सटेंसेस, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, मेटल्स हो सकता है, करेक्ट। मेटल में कार्बन कॉपर सॉरी कॉपर होगा, अल्मीनियम होगा या गोल्ड होगा, कोई भी हो सकता है। और फाइंड करें डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर का डेंसिटी हमेशा ऑलवेज इक्वल होगा, दिस फॉर व्हाट 10³ ऑलवेज होगा। फाइंड करेंगे हम व्हाट रिलेटिव डेंसिटी, सी याद रखने का फॉर्मूला क्या हम लोग का, सी फॉर्मूला हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हम लोग का, डेंसिटी of substances upon density of a water, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट सेम। अब सब्सटेंस के अंदर मेटल है तो मुझे ब्रैकेट में लिखो मेटल सी। अब ये नहीं मालूम है, अब रिलेटिव डेंसिटी कितना है 5, ये जो रिलेटिव डेंसिटी है कितना दिया हम लोगों ने 5 दिया है। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस नॉट गिवन, डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस यानी मेटल ये हम लोग को लोग ने दिया नहीं है, करेक्ट। वाटर कितना है इसका 10³ वाटर का है, करेक्ट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो देयरफॉर डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंसेस यानी मेटल इज इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट। 5 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, करेक्ट।
तो ये हम लोग का फर्स्ट सम था, अब हम लोग स्टडी करेंगे सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम लोग करेक्ट सेकेंड सम के लिए। सर ने फर्स्ट सम ऑलरेडी फिनिश ना, सेकेंड सम डूइंग नाउ। सो डेंसिटी ऑफ मेटल 8.5 इन 10^3 दिया है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3 है, फाइंड करेंगे रिलेटिव डेंसिटी। इसी डेंसिटी ऑफ मेटल कितना आएगा 8.5 इंटू 10^3, डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 10^3 कट कर दो, देयरफॉर रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू 8.5 इज द आंसर। कर तो हम लोगों ने सेकेंड थर्ड क्वेश्चन फॉर्मूला का दो सम्स हो गया। अब हम लोग पुट करेंगे द सेकेंड फॉर्मूला। सी नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग का है व्हाट प्रेशर इज इक्वल टू व्हाट फोर्स अपॉन एरिया या वेट अपॉन एरिया, या इधर भी हम लोग को वेट दिया है। सो नॉट टू टेक फोर्स क्या लेने का, वेट अपॉन एरिया लेने का। करेक्ट सी अभी तक W स्टैंड फॉर व्हाट वेट, A स्टैंड फॉर व्हाट एरिया और P स्टैंड फॉर व्हाट प्रेशर। वेट होगा इसका यूनिट होगा न्यूटन, एरिया रहेगा इसका एरिया क्या रहेगा मीटर पर स्क्वायर, और प्रेशर करेगा पास्कल, कैन नॉट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी सकते हो, और कैन नॉट व्हाट पी ए स्टैंड फॉर व्हाट पास्कल। ना अभी हम सम स्टार्ट करेंगे। प्रेशर कितना है हमारे पास 20,000, वेट नहीं मालूम है, एरिया कितना है 0.04, कॉस्ट में डिप्लाई करो इंटू 0.04 इज इक्वल टू वेट, यानी ठीक ऐसे कर लो 2 × 4 = 8, यानी कितना जीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 डब्ल्यू पुट किया, लेकिन पॉइंट के बाद कितना नंबर है, पॉइंट के बाद नंबर दो नंबर है, अगर पॉइंट के बाद दो नंबर है तो दो पॉइंट काउंट करो 1 2 एंड पुट पॉइंट। सो W इज इक्वल टू 800 न्यूटन, क्योंकि पॉइंट के बाद दो नंबर है, दो जीरो काउंट करो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 1 2 पॉइंट डाल देने का, यानी क्या है W इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू व्हाट 800 न्यूटन। करेक्ट सेकेंड सम करेंगे हम व्हाट सेम बेसिस पे। सी प्रेशर दिया नहीं है, वेट कितना है 1500 और एरिया कितना है फाइन कट करो 1 2 कट किया 5 1 5 3 यानी तो प्रेशर आया हम लोगों को कितना आया 3 वॉट पास्कल। करेक्ट ये हम लोगों ने पुट किया व्हाट द टू सम्स एंड दिस इज ऑन व्हाट द सेकंड फॉर्मूला। ओके अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक सम नंबर 6 डेंसिटी ऑफ मेटल 10.8 इंटू 10^3 kg पर मीटर क्यूब। फिर फाइंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल, ये फाइंड करने का है। डेंसिटी ऑफ वाटर, हाँ प्रॉब्लम के अंदर एरिया नहीं है, डेंसिटी ऑफ वाटर इज नॉट गिवन द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में डेंसिटी ऑफ वाटर नहीं, याद रखें हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज डेंसिटी ऑफ वाटर विल बी वॉट 10^3। करेक्ट अब हम शुरू करेंगे फॉर्मूला क्या हम लोग का रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू ऑफ ए मेटल ले रहे चलो इज इक्वल टू फॉर्मूला सेम फॉर्मूला रहेगा नॉट टू चेंज द फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ ए मेटल अपॉन कहेगा डेंसिटी ऑफ ए वाटर। करेक्ट डेंसिटी ऑफ मेटल कितना है 10.8 × 10^3 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर 10^3 है कट कर दो क्या आंसर आया 10^3 क्या हम लोग का आंसर रहेगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मेटल इज इक्वल टू 10.8 आंसर। सिंपल सम है बराबर ना। बॉक्स दिया 350, मास ऑफ बॉक्स दिया 500, विल द बॉक्स फ्लोट ऑन वाटर और सिंक, यानी वो बॉक्स क्या फ्लोट होगा क्या सिंक होगा, याद रखने का डेंसिटी फाइंड करने का है, अगर डेंसिटी 1 से ज़्यादा रहेगी तो वो सिंक हो जाएगा, डेंसिटी अगर 1 से कम रहेगी तो क्या होगा वो फ्लोट होगा ना सी। पहले फाइंड करो डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 500 ग्राम्स, वॉल्यूम कितना है 350 सी, अगर उसको कट करो 0
अब क्या बचा है, सी 35 कट करो, 5 7 5 10, करेक्ट। अब 10 को 7 से डिवाइड करो, 1 7 3.4 28 20 2 0 2 14 60 और 8 तो क्या है डेंसिटी 1.428, यानी मतलब डेंसिटी आ गया तुम लोग को 1 से ज़्यादा, यानी 1.4 आ गया, इट्स मोर देन व्हाट 1, दैट मीन्स डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी क्या है, वाटर की डेंसिटी 1 है, बट इधर हमको डेंसिटी क्या मिला, 1.4 मिला, यानी ये डेंसिटी, सी दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1.428 इज ग्रेटर देन व्हाट 1, 1.428 ग्रेटर देन व्हाट, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मोर देन डेंसिटी ऑफ ए वाटर 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अगर डेंसिटी ज़्यादा होगा तो बॉक्स विल सिंक इन द वाटर, बॉक्स होगा वो वाटर में सिंक हो जाएगा। अभी फाइंड करें मास ऑफ ए वाटर, मास ऑफ वाटर का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इन डेंसिटी, वॉल्यूम कितना है अपना 350, डेंसिटी कितना है वाटर की 1, 350 आ गया, तो इट विल डिस्प्लेस वाटर 350 ग्राम, यानी जो जब भी बॉक्स नीचे जाएगा वो वाटर जब बाहर निकलेगा, जब वाटर बाहर निकलेगा वो वाटर का वॉल्यूम कितना ग्राम्स होगा, 350 ग्राम्स ऑफ वॉट वाटर, करेक्ट। आज हमने पुट किया वॉट, साइंटिस्ट ने पुट किया, प्लीज़ सॉल्व करो, है ना, डाउट्स होगा तो मैडम को प्लीज़ कॉल करना, टिल देन गुड बाय। मास 50, डेंसिटी 1 है, फॉर्मूले के डेंसिटी इक्वल व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कितना है 50, करेक्ट, वॉल्यूम कितना है 20, अब इसको 5 को 2 से डिवाइड करो, 5 का हाफ कितना आएगा 2.5, सो 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। डेंसिटी आ गया 2.5, लेकिन डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है 1 ग्राम, प्रॉब्लम में दिया कितना है, हम लोग को डेंसिटी क्या मिला 2.5 मिला, लेकिन डेंसिटी वाटर की डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम है, तो 2.5 इज ग्रेटर देन व्हाट 1 ग्राम, क्या लिखेंगे इसको, दैट 2.5 इज ग्रेटर देन व्हाट 1, देयरफॉर ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द वाटर, तो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा सिंक हो जाएगा वाटर में, करेक्ट। आंसर आएगा ऑब्जेक्ट विल सिंक।